सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नालंदा में पावापुरी नगर पंचायत चुनाव का रिजल्ट आने के बाद हारने वाले प्रत्याशी मतदाताओं को धमकी दे रहे हैं। दशरथपुर गांव निवासी नर्मदेश्वर सिंह के पुत्र अभिषेक कुमार ने घटना के संबंध में एफआईआर का आवेदन पावापुरी ओपी में दिया है। गाली गलौज व धमकी का ऑडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित ने बताया कि चुनाव हारने के बाद एक उम्मीदवार उन्हें कॉल कर गाली गलौज करते हुए जान मारने की धमकी दे रहा है। ओपी प्रभारी ने बताया कि जांचोपरांत पुलिस एफआईआर दर्ज कर आरोपी पर कार्रवाई करेगी। आपका नाम? अभिषेक। क्या घटना घटी आपके साथ? कल मेरे साथ घटना ही घटी अपराह्न 2:16 में, ठीक है। और चेयरमैन का प्रत्याशी था, उसका बिहार शरीफ में काउंटिंग हुआ था, दीपक कुमार, ठीक है, और नगर पंचायत पावापुरी चुनाव का, तो उसकी हार हो गई और दूसरे गांव के उम्मीदवार जो रविशंकर जी हैं उनकी जीत हो गई। तो लगभग अपराह्न 2:16 में एक नंबर है 9955719232, इस नंबर से मेरे पास मिस कॉल आया। मैंने उसको कॉल बैक किया 3 मिनट के बाद, मुझे फ़ोन किया, मेरी माँ को संबोधित करते हुए अत्यंत गंदी एवं भद्दी गाली दिया और धमकी दिया, तुम जहाँ भी मिलोगे वहाँ पर हम मिलके मारेंगे और काट कर फेंक देंगे, ठीक है। ऐसा अश्लील गाली और गाली एवं जान मारने की धमकी देने का कारण लगता है, उसे लगता है कि मैंने चुनाव में उसको हम उसके पक्ष में मतदान नहीं किया। वो कैसे कह सकता है कि हम उसके पक्ष में मतदान नहीं किया, ठीक है। मैं काफ़ी भयभीत और पड़ताली हालत में हूँ, क्योंकि इस तरह से वो बोला ही है, संबोधित ही किया है कि जहाँ भी मिलेंगे, जहाँ पर ये करेंगे, मेरे घर के आसपास में भी वो आसपास उसका लड़का उड़का जो है मड़ाते उड़ाते रहता है, बहुत गंदा तरीका से पेश आता है, घुराता है, बहुत ज़्यादा घूर घूर के देखता है, रास्ता उस्ता में मिलता है तो घूर घुराता है और अत्यंत बहुत गंदा माहौल बनाए हुए है। वो लगता है गाँव बिल्कुल अकेला कर दिया है, एक तरफ एकदम उसका लड़का, हम बिल्कुल अकेले, ठीक है। तो हम चाहते हैं प्रशासन से, यही उसका ऑडियो क्लिप भी मेरे पास उपलब्ध है, जिस तरह से वो बोला है 47 सेकंड का है, और इसमें हम इसका जो आवेदन है इसमें हम एफआईआर रिपोर्ट करने के लिए, प्राथमिकी दर्ज करने के लिए हम कल शाम में 4:30 के आसपास हम थाना पे आए हैं और मैंने वहाँ पर आवेदन दिया है, ठीक है। और मैं चाहूँगा प्रशासन से कि इसके लिए दीपक कुमार और इसमें जो शामिल अज्ञात लोग हैं उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में मेरे साथ ऐसा कोई घटना न घटे, अगर क्योंकि मेरे जान का भी बहुत ज़्यादा खतरा है, मैं यही चाहूँगा। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।